और पहले तो 31st की पार्टी करेंगे, फिर उसके बाद में हम 5 मिलियन सेलिब्रेट करेंगे नए साल में, ठीक है। तो अभी हाँ, मैं बता रही थी कि अभी हमें जाना है मॉल में, तो मैं ना जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ। तो मैंने सोचा आज है ना मैं ये वाला स्कर्ट पहन लूँ, ये मैंने ना कोरियन गर्ल लुक के लिए लिया था। देखो ना कितना मस्त स्कर्ट है, एकदम प्यारा ऐसे लग रहा है, स्कूल वाला स्कर्ट है। तो ये पहनूंगी, ये पहनने के लिए मम्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, और ये ऊपर स्लीवलेस वाइट कलर का। चलो मम्मी की परमिशन लेते हैं। ए मत ना, वैसे भी मैं मम्मी के साथ ही जा रही हूँ, मम्मी के साथ जा रही हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। अकेले तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं ये स्कर्ट पहन सकती हूँ, परमिशन मिल गई। हाय जी, कितना क्यूट दिख रहा तू, इधर देख। ये क्या यार, इतने सुबह सुबह मेरी लड़कियों के जैसे चोटी डाल दी है मम्मा ने। ये ले, ये चाहिए। मैं ये लेने के लिए लड़की थोड़ी ना है, मैं तो जेंट्स से जेंटस। मेरे को है ना ये लड़कियों के जैसे चोटी नहीं डालने की, तो मैं अभी है ना ये मेरी चोटी में खोल डालूंगा। मेरे को नहीं चाहिए ये चोटी लड़कियों के जैसे, मैं तो जेंट्स से जेंट्स, तो मैं अभी निकाल दूंगा ये चोटी में ये। अभी जाके ना हल्का लग रहा मेरे सर के ऊपर, अभी मेरे को नहीं पहने, फेंक देता मैं ये रबर बैंड को, ये नहीं पहनने का है मेरे को। अभी ऐसे खुले वाले ना मेरे को अच्छे लगते। ये अभी हल्का हो गया मेरे, अभी मस्त लग रहा मेरे को, ये तेल भी लगा दिए मेरे मम्मी ने। ये मम्मी पापा ये लो खाना। खाना खाता क्या? अंदर बाल ऐसे किसने किए? उसने खोल लिया, वो चोटी खोल दिया उसने। चावल लेकर क्या है, खीर है वो। खीर क्यों रे, ये चावल लेकर खीर है। मम्मी बोलेगी ऐसी चिकू को पसंद है, बच्चों को ऐसे ही पसंद है, देखा। उसके उनके लिए अलग बनाया कर, मेरे को अगर चावल देते तो कुछ आप अच्छा। खाते एक दो दाने चावल, उसके लिए अलग बनाओ क्या, अलग बर्तन खराब करो क्या? और क्या बच्चों के जैसे चावल खाओ क्या, मैं एकदम पूरा पतला पतला। हाँ। खीर खाओ पापा, खीर। वो खीर ही खा रहा मैं। हो गई मैं रेडी, मुझे ना स्कर्ट पहनना बहुत पसंद है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना स्कर्ट। देखो देखो अभी देखो, बस ये मैंने लिपस्टिक लगाई, और ये मैंने ना ये राउंड वाले इयररिंग पहनी। ये वाले इयररिंग है ना किसी पे भी मैच हो जाते हैं, कोई भी आउटफिट पे। और हैंड्स ओपन कर लिए, कोरियन गर्ल का लुक किया जा सकता है ना। बस यार उनके जैसे है ना शाइनिंग वाला वो मेकअप चाहिए होगा, तो उसके ऊपर है ना मैं और थोड़ी सी स्टडी करती हूँ, फिर उसके बाद में ना हम कोरियन वाला लुक करेंगे। और हाँ, आपको भी समझ आएगा कि उनके जैसे शाइनिंग वाला मेकअप कैसे करते हैं और कैसे उनके जैसे लुक लाते हैं। देखो मेरी प्यारी मम्मी रेडी हो गई आपको देखने। आ गई, पापा तो हॉर्न ही बजाते हैं, रेडी भी नहीं होने देते ठीक से।
31st एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तो आपका कुछ अलग से प्लान तो नहीं बन रहा है ना? हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो? पहले से ही डिसाइड करके रखा है। तो तुम तुम्हारा सेलिब्रेट करो ना। ऐसे कैसे तुम तुम्हारा, मैंने आपको एक दिन पहले बोला ना कि हमारा 31st को प्लान है, तो आप अपना कैंसिल कर दो। मम्मी बोलो पापा को कैंसिल। अरे मतलब हाँ, वो तो कैंसिल ही होने वाला है, इतना खुश मत हो पापा। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आपका क्या प्लान है 31st का, आप करने क्या वाले हो वो बताओ। बताओ ना, क्या शर्मा रहे हो? ध्यान है, जल्दी बताओ। अरे 31st के दिन बोले तो कैसा, सब दोस्त लोग मिलके जाएंगे, समोसा वमोसा खाएंगे। समोसा खाने के लिए 31st के दिन तो रोज ही खाते हैं समोसा चार टाइम। फिर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। हाँ। और क्या लेता, बस कुछ समझ नहीं आता। आपको पता है कि 31st के दिन ये लोग क्या करते, बताओ तो। ये कब भी रहते नहीं 31st के दिन। हाँ। हमारे साथ इस बार रहेंगे। हाँ मैं बोल रही हूँ, इस बार पापा रहेंगे हमारे साथ। आपको तुम यार मेरा सब खराब कर रहे पूरा। हमको बहुत मजा आता। क्यों मम्मी? Yes. मम्मी देखो, अपने को है ना एक पार्टी स्पीकर लेने का है। हाँ, मेरा भी बहुत दिनों से हाँ। चल रहा था लेने का है। अभी जा रहे मॉल में तो देखेंगे ना पार्टी स्पीकर। देखो पापा, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। देखो हमारा हर महीने कोई ना कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होता है, तो हमको हमेशा रेंट से वो पार्टी स्पीकर लाना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम ना अपना वाला पार्टी स्पीकर ले लेते हैं। क्यों मम्मी? हाँ एकदम बराबर है। हाँ। मैंने भी यही सोचा था। तुम तुम्हारे पैसे से ले रहे ना? हाँ हम हमारे पैसे से लेंगे। हाँ, ठीक है ठीक। आप बस चलो साथ। हाँ। में बस आप बताना कौन सा वाला ठीक रहेगा अपने लिए। ठीक है पापा, ये देखो दिख रहा है कुछ बाहर का? हाँ फिर दिख रहा है ना। थोड़ा सा है ना बड़ा स्पीकर देखो, ठीक है, ताकि है ना जो दिखने में भी अच्छा लगे। स्पीकर वगैरह तो पापा देख लेंगे, मम्मी और मैं आ गए कपड़े देखने के लिए। कुछ नया दिख रहा है तो ले लेंगे नया। कितने दिन हो गए मैंने कुछ लिया नहीं, मतलब मॉल से कुछ लिया नहीं। आप ऐसे मत देखो मम्मी, आप पे अच्छा दिखेगा। एक बार देखो तो ऐसे लगा के देखो ना, यहाँ पे सारे विंटर्स के ही कपड़े। और हाँ, आप सब लोग है ना बहुत कमेंट करते हो आपको ठंड नहीं लगती क्या, ठंड नहीं लगती क्या। देखो हमारे औरंगाबाद में ना बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती। कितने सारे हैं यहाँ पे ड्रेसेस देखो ना मम्मी, ये भी विंटर वाला ही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा मम्मी, हमको तो सभी अच्छा लगता है। आओ थोड़ा और सामने देखो। ये देखो ना, ये कितना क्यूट है, मेरे को ये चाहिए। अभी थोड़ी पहन सकती है। कोई बात, रख देते हैं। कितना स्वीट है यार, लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं छोटी लड़कियों के। यहाँ पे ना बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा है। काश मैं भी बच्ची होती यार, तो मैं ये सब पहन पाती। ये अच्छा है चिक्को के लिए, बताओ गर्ल्स। लेकिन पिंक कलर नहीं पहनता चिक्को। देखिए स्पीकर अच्छा लग रहा है, मेरे को लेने का आएगा। मम्मी से तो पूछना पड़ेगा ना। हम इधर स्पीकर देख रहे थे, उतने में पता नहीं मम्मी कहाँ गायब हो गई, मिली नहीं। कपड़े देख रहे होंगे, कपड़ों के अंदर गुम हुए होंगे। नहीं मैं देख के आई नहीं है वहाँ पे मम्मी। इसमें माइक भी है? हाँ वो माइक लगा के ना कैसे गाना गाते। एक सेकंड ये पकड़ो वाटर। हेलो हेलो हेलो। जब तेरे को गाने का क्या क्या गाऊँ मैं? देखना गा के देखना कैसा आता आवाज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मैंने चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं।
मेरे को नहीं मालूम। अच्छा तो लग रहा है, ये बताओ ये स्पीकर से मेरी आवाज अच्छी निकल रही है ना? निकल रही ना क्या? Best place to find the lovers at the bar is where I go. And girl, you know I want your love. हमने अभी इसको उठा के देख रहे कि पापा अगर घर पे नहीं रहे तो इसको उठाएगा कौन? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वाह शाबाश बाहुबली। आ गया ना फिर पसंद तुमको? हाँ ले लो। फिर माँ से पूछ दो। मम्मी लेना है ना? बोल रहे कि इसका है ना और एक लेटेस्ट वर्जन है, हम वही ले लेते हैं। दोनों सेम ही है ना? हाइट बड़ी होगी क्या? हाइट बड़ी होंगी, उसका आवाज बड़ा होगा, उसकी प्राइस भी बड़ी होंगी। से प्राइस बढ़ जाएंगे उसके। तो उसका बिल करो फिर बड़े वाले का। सच में? अरे हम लेने छोटा आए थे। हाँ। पापा ने बड़ा दिलवा के दिया। पापा हम टीवी ले रहे? अरे ले रहे नहीं, देख रहे। ले लो ना। भाजी खरीदने निकलेगा, टीवी ले लो, स्पीकर ले लो। कौन सी देखनी है वो बताओ? कौन सी अच्छी दिख रही? सभी अच्छे लग रहे, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही, ऊपर वाली। क्या लेना है आपको? ये लेना है इलेक्ट्रिक गैस। हाँ। जो ये प्लग पे चलता है ये वाला। हाँ। जा तू पापा को बुला के। अब पापा बिल करने गए ना? यार ये मस्त है मम्मी का, एक के ऊपर एक फ्री, मतलब कुछ ना कुछ तो लेना ही है। एक चीज नहीं ले सकती मम्मी, उसके साथ और एक चीज चाहिए। वो देखो मम्मी इलेक्ट्रिक गैस लेने का बोल रही है। हा? वो जो प्लग पे नहीं चलता वो उधर है, वो। अरे क्या हो गया उसको? है ना घर पे सिलेंडर आता ना। अरे बाबा रहने यार अपने घर पे। एक चीज मम्मी ले ही नहीं सकते। अभी पिछले अभी दो तीन दिन पहले गैस खत्म हो गया है तो कैसे सिलेंडर अपने घर पे? दो दो है। दो भी खाली थे दोनों भी। अरे पर अपना गैस जाता नहीं ना। जाए ना, कल ही हमारा गैस गया था दो दिन के लिए। मान लीजिए गैस चला ही गया। क्या हुआ पापा? इसके लिए आपको कुछ नहीं। ये वॉच है, तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास में। ये स्पीकर है, वॉच है, और ये वाला भी है। ये हेडफोन है, स्पीकर। हाँ वही हेडफोन। पापा बताओ आप ही। तुम देखो क्या होना तुमको, तू बोलते हो क्या होना? हेडफोन। ये वायरलेस वाला? हाँ ठीक है, ये वायरलेस वाला हेडफोन। हम अभी आते। कहाँ जा रहे? अभी आए। मुझे और मम्मी को है ना वो नॉर्मल वाले जो टी शर्ट्स होते हैं ना घर में पहनने वाले डेली यूज़ के लिए, वो लेने से। तो वो हम पापा के सामने बोल नहीं सकते, नहीं तो पापा इतना ज़ोर से चिल्लाते वहाँ पे, इसीलिए हम चुपके से आ गए। हाँ अच्छे कलर भी सही है इनका। ये वाला देखो अच्छा तो लग रहा है। वाइट कलर के बिना मैं तो रह ही नहीं सकती। ये ले लो फिर। मम्मी ऐसे इशारा कर देती है, मैं भी सीधा ले लेती हूँ। बताओ ये वाला कैसे? ठीक है देखते हैं, एक बार ले लेते हैं यहाँ से। वाओ आ जाएगा आपको। ये लो मम्मी ये भी। गर्ल्स बताओ मिक्की माउस किसको पसंद है? लगाओ। अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो ले लो मम्मी, आपकी चॉइस अच्छी होती है। कौन सा वाला लेना है? एल लेना है, एक्स्ट्रा लार्ज लेना है? अरे बस करो बाबा, तुम तो चालू ही हो जाते डायरेक्ट। देख रही हो? अरे अभी जिम में इतने सारे दुनिया भर के मंगाए और वो देख रहे थे। वो मेरे लिए है, ये मम्मी के लिए है। ओ ये मुझे आएंगे क्या? बताओ बताओ। अरे तूने भी एक जिम वेयर लिया ना? तो इसके लिए मम्मी ने। हो गया मैं लो, चलो हो गया उधर, मैं बिल कर दिया उसका। चलो अभी कपड़े ले। इसका भी बिल करना है। ये देखा नहीं आपने यहाँ पे इतना सारा हमने लिया है? चलो लो वो ले लो, वो ले लो। हाँ चलो। एक क्या क्या लिया? ये बहुत ज्यादा बोझा हो गया क्या? पेट भर गया ना, बस हो गया ना बेचारा। लेट्स गो मम्मी, क्या देख रहे हो? कितने का हुआ पापा बिल स्पीकर का? हां स्पीकर का बिल कितने का हुआ? स्पीकर, फिर बाद में तुम्हारा वो इंडक्शन कुकर, फिर बाद में वो सब पूरा मिला के हो गया 60,000 रुपीस। 60,000? बाप रे, 60,000 खर्चा करे इन्होंने। क्या लेके आ गई है?
पापा के लिए टी शर्ट। आप बताओ और हम क्या ले सकते हैं यहाँ से? मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम जो लेने का लो। अरे बताओ ना, अब क्या क्या ले हम? पूरा दुकान ही लेके चलो घर पे। नहीं फिट होना है। अच्छा अभी फिट होंगे पापा, वजन कम करो। है, वजन है, वो टी शर्ट के लिए मैं मेरा वजन कम करूँ? बताओ। हाँ मेरे लिए टी शर्ट बड़ा नहीं हो सकता क्या? मैं वजन कम कर लूँ उसके लिए? ये वाला आ जाएगा शायद। देखो यहाँ पे ना, मैं अपने लिए लेगिंग्स खरीद रही हूँ, मस्त मस्त पिंक कलर के लेगी है, ये देखो। और इनकी साइज पता है क्या है? ये देखो 11-12 इयर्स। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी लेगी ली। ये है एक पिंक वाली, और ये ब्लू कलर की, और ये एक येलो कलर की, और ये एक पिंक कलर की। देखो कितने मस्त मस्त लेगी ली है मैंने। ये लो मम्मी। तो हमने ना आज मेरे लिए ज्यादा शॉपिंग नहीं की, मैंने ना कृष्णा के लिए, पापा के लिए और खास करके मम्मी के लिए ज्यादा शॉपिंग की है। मैंने बस 3-4 लेगी ली और 2-3 टी शर्ट ले ली अपने लिए, बाकी सब इनकी शॉपिंग है। बेच डालने के कपड़े अभी सब ये? बेचने के थोड़ी हो, पहनने के लिए। मम्मी कैसा लगा आपको इतनी सारी शॉपिंग करके? ऐसे नहीं, ये माइक है। अच्छा बहुत अच्छा लगा। अच्छा पापा तो कैसा लगा आपको? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। इन सब ने दाढ़ी बीड़ी करना क्या नहीं क्या? ए फट करके बाल में लग जाएगा ना, कट जाएगा तुरंत। कैसे लगेगा? मैं चालू नहीं है वो। हो गया गलती, चालू लग गया बाल में तो नहीं, मजा आ जाएगा फिर। चलो हैं, ये देखो बिल। क्या करने गया उधर? कुछ ले लेते हैं ना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लेने का, अभी बाबा के लिए जूता लेने का। मेरे को पकड़े दादाजी के लिए शूज लेना है ना। ये वाला देखो पप्पा, दादाजी के वैसे पसंद नहीं आते। तो मैं ये शूज देख रही थी तो पापा ने मुझे देख लिया और तुरंत आ गए। तेरे लिए भी लेने का क्या? उधर पुणे में लेने का था इसके लिए, लेकिन ले नहीं पाए हम। ये वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है। कितने नंबर का लगता? ले ले फिर पहन के देख। नंबर का लगता पप्पू बता। तेरे को 7 नंबर का। आदमी के जैसे बड़े बड़े पैर है उसके, मेरे जैसे। पापा ये जो शूज पहन के देख रहे हैं वो हमारी दादाजी के लिए ले रहे हैं, और ब्रांडेड और महंगा शूज इसलिए ले रहे हैं ताकि दादाजी के पैरों में और दर्द ना हो। देखो तो हमने ना शूज ले लिए, ये देखो, ये एक मेरे लिए और ये दादाजी के लिए। दादाजी बहुत दिनों से बोल रहे थे उनका शूज खराब हो गया है, तो दादाजी के लिए भी लिया है और ये मम्मी के लिए। वो तो ले तू। थैंक यू, बाय। लेकिन कम से कम आज तुमने कितनी शॉपिंग करी मालूम क्या? 90,000 रुपए। 90,000? बाप रे, 90,000 की शॉपिंग की हमने? देखो ना हमारी गाड़ी के बाजू में फॉर्च्यूनर खड़ी है, ड्रीम कार। कितनी मस्त गाड़ी है ना मम्मी, ये हम सबकी ड्रीम कार है। इधर इधर चलो चलो। एक मिनट देखने तो दो।
पापा घर भी आना। दादा हमारी घर पता नहीं कब आएगी। तुम देखेंगे तो तुम आतिक करने लगेंगे। तुम कहीं ये ना बोल दे कि चलो फॉर्चूनर लेते जाके। मम्मी देख लो ये देखो कैसे बीच में रोड की गाड़ी लगा दी है। क्या बोलना अब लोगों को, जानो तो अब मैं नहीं बोलता कुछ, जान दो। कर देते होंगे लोग ऐसे तो चलता है, हंस के अपन आगे बढ़ जाओ। पापा है ना अभी पहले जैसे नहीं है, नहीं तो है ना पहले पापा का बहुत ही अलग लेवल का गुस्सा होता था, है ना मम्मी? हाँ, फिर वो गाड़ी उठा के फेंक देते थे। बच गए हो गई। जब से तू बड़ी हुई तब से पापा ने थोड़ा कम गुस्सा किया। अभी कम कर दिया गुस्सा करना। हाँ अभी बहुत कम कर दिया, पहले बहुत गुस्सा आता था पापा को। चलो ठीक है, अब क्या बोले, गाड़ी बच गई। मैं से निगल लेता गुस्सा। निगल लेता। हाँ, ऐसा मैं उल्टी गिनती करता सा 10, 9, 8 ऐसा करके तो गुस्सा शांत हो जाता मेरा। देखो कोई इतनी महंगी शॉपिंग नहीं की है, बस वो पार्टी स्पीकर ही थोड़ा महंगा था इसीलिए इतना बिल हुआ है, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए लिया है। और हाँ, अभी न्यू ईयर पार्टी में हम बहुत धमाल करेंगे और पापा की पार्टी कैंसिल करने में भी बड़ा मजा आएगा, अब बस वेट करो। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।